मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का नाम एक बार फिर से सबकी जुबान पर है और वजह है पाकिस्तान में उसकी दर्दनाक मौत, जिसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना अभी बाकी है। हालांकि इस खूंखार डॉन की मौत की खबर को कई मीडिया हाउसेस ने कंफर्म कर दिया है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के कराची में किसी ने दाऊद इब्राहिम को जहर देकर मार दिया है, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर हर तरफ दाऊद की बातें ही चल रही है। डोंगरी का एक लड़का अपने खतरनाक इरादों के साथ बन गया अंडरवर्ल्ड डॉन, जिसका नाम 1993 में हुए बम धमाकों में भी सामने आया। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस खतरनाक डॉन का कनेक्शन बॉलीवुड के साथ भी काफी गहरा था। 80s 90s के दशक में बार बार दाऊद की इंटरफेरेंस के दौरान बॉलीवुड की कई हसीनाओं पर उनका दिल भी आया। बी टाउन की कई हसीनाएं दाऊद इब्राहिम के साथ रिश्ते में थी, ऐसी कई बार अफवाहें भी उड़ी। लेकिन क्या आप जानते हैं, दाऊद इब्राहिम के साथ नाम जुड़ने के बाद बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस का करियर भी बर्बाद हुआ। आज की अपनी खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे दाऊद इब्राहिम का बॉलीवुड की किस हसीना पर दिल आया और दाऊद की वजह से किस एक्ट्रेस का करियर हुआ बर्बाद। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे राम तेरी गंगा मैली फेम एक्ट्रेस मंदाकिनी का। आपको बता दें 1994 में मंदाकिनी की अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ क्रिकेट मैच को एंजॉय करते हुए तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिससे उनके करियर को बहुत बड़ा झटका लगा। भारत के मोस्ट वांटेड आदमी के साथ फोटोज वायरल होने के बाद मंदाकिनी की छवि इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में ब्लॉकबस्टर देने के बाद भी इंडस्ट्री से अलविदा कहना पड़ा। मंदाकिनी को लेकर तो ये भी कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम के साथ वो अफेयर में थी, जिसके बाद बॉलीवुड में उन्हें काम मिलना बिल्कुल बंद हो गया था। दाऊद इब्राहिम के अगले निशाने की बात करें तो कहा जाता है कि खलनायक के हिट होने के बाद दाऊद इब्राहिम का दिल आ गया था माधुरी दीक्षित पर। बहुत कम लोग जानते होंगे कि खलनायक के हिट होने के बाद पाकिस्तान मीडिया में तो ये जुमला फेमस हुआ था, जिसमें कहा जा रहा था कि माधुरी ले लो दाऊद दे दो। इसके बाद खबरें आई कि दाऊद ने माधुरी को दुबई आने का ऑफर भी दिया था। उस वक्त माधुरी इंडस्ट्री का जाना माना नाम थी, उन्होंने मना कर दिया। हालांकि इन बातों की कोई ऑफिशियल पुष्टि कभी नहीं हुई। दाऊद इब्राहिम का कभी दिल वीराना फेम एक्ट्रेस जैस्मिन धुन्ना पर भी आया था। बताया जा रहा है कि जैस्मिन धुन्ना और दाऊद इब्राहिम ने एक दूसरे को डेट किया था। हालांकि जैस्मिन की तरफ से ये बयान सामने आया था कि उन्होंने कभी भी इस डॉन को डेट नहीं किया। 90s में दाऊद इब्राहिम का नाम पाकिस्तानी एक्ट्रेस अनीता अय्यूब के साथ भी जुड़ा। हालांकि अनीता ने शुरू से यही कहा कि उनका दाऊद से कोई कनेक्शन नहीं है। दाऊद इब्राहिम का बॉलीवुड एक्ट्रेसेस पर दिल आना कोई नई बात नहीं थी। ऐसे बहुत सारे नाम हैं बॉलीवुड में जिनका कनेक्शन दाऊद इब्राहिम के साथ कई बार सामने आया। अगर आपने अभी तक फिल्मी बीट को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।